2 साल बाद भी कंपनी से मृतक के परिजनों को नहीं मिला मुआवजा। दुखी परिजनों ने मीडिया के जरिए प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। खबर जयपुर जिले के सांभर के त्योदा से है, जहां एक पिता मालचंद सैनी अपने जवान बेटे की असामयिक मृत्यु के बाद भी मुआवजा नहीं मिलने से दर दर की ठोकरें खा रहा है, पर उसे न न्याय मिला न मुआवजा। पीड़ित पिता मालचंद सैनी ने बताया कि उनका पुत्र विनोद सैनी विजन वर्ल्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टोंक रोड जयपुर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर लगभग 3 वर्षों से कार्यरत था। कंपनी मालिक द्वारा विनोद सैनी को कंपनी के कार्य से बालोतरा भेजा गया। पिता मालचंद के पास अचानक कंपनी से फोन आया कि आपका पुत्र बीमार है और बालोतरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती है। जब पिता मालचंद सैनी अपने भाई के साथ कुछ पैसों का इंतजाम कर बालोतरा पहुंचे तो डॉक्टरों ने उनके पुत्र को उनके सामने ही मृत घोषित कर दिया। कंपनी का कार्य करते हुए मृत्यु होने पर कंपनी द्वारा मृतक के परिजनों को हर संभव मदद व बीमा राशि के रूप में आर्थिक मुआवजा देने की बात भी कही गई। जब परिजनों ने कंपनी मालिक से मुआवजा राशि देने की बात कही तो कंपनी मालिक जब्बर सिंह बार बार टालमटोल करता रहा और कागजों पर यह कहकर हस्ताक्षर करवा लिए कि आपको बीमा राशि और मुआवजा जल्द मिल जाएगा, आप कंपनी पर कोई कानूनी कार्रवाई ना करें। परंतु विडंबना देखिए, अपने बुढ़ापे का सहारा अपना जवान बेटा खो चुके पिता के साथ कंपनी मालिक किस तरह धोखा कर उसे तिल तिल कर मरने पर मजबूर कर रहा है। 2 साल गुजर जाने के बाद भी कोई मुआवजा राशि नहीं मिलने से मृतक के परिजनों को जीवन यापन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मृतक के परिजनों का प्रशासन से अनुरोध है कि कंपनी मालिक जब्बर सिंह पर कानूनी कार्रवाई कर उन्हें मुआवजा दिलाएं और न्याय दिलाने का प्रयास करें। सर, मेरा नाम मालचंद सैनी है। मैं मालिंगी डियाणी त्योदा में गांव में रहता हूं। तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राजस्थान का निवासी हूं मैं। मैं एक दुखहरा आदमी हूं। मेरा बेटा विनोद कुमार सैनी जो विजन वर्ल्ड टेक कंपनी जयपुर में काम करता था, वो उस कंपनी में काम करता था। तो कंपनी वाला मालिक ने वहाँ जयपुर काम पर गया, उस काम पर से उसको बालोतरा भेज दिया गया। सर, बालोतरा जाने के बाद उसने मेरे पास फ़ोन आया है कि मैं बालोतरा हूँ। बालोतरा से मैं 3 बजे उससे बात की थी। 3 बजे बाद के मान 6 बजे उसका मालिका जबर सिंह का मालिका फ़ोन आया कि आपके बेटे विनोद कुमार सैनी अचानक बीमार होने के कारण सरकारी अस्पताल में भर्ती है, तो मैं कैसे भी आप बालोतरा पहुँचो। तो मैं जैसे तैसे गरीब आदमियों पैसे इकट्ठे किए, किराए भाड़े के, हम दोनों भाई बालोतरा पहुँचे। मैं वहाँ 1-1.5 बजे पहुँचे। 1-1.5 बजे पहुँचने के बाद वहाँ पर इतला की जानकारी की, वहाँ पूछा तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। हमको मृत मिला वहाँ पर। तो हमने वो जबर सिंह जाके विश्वास देके, क्योंकि कल जो भी उसकी बीमा कंपनी है वो तो खैर ख़त्म हो गया, उसकी जो भी बीमा कंपनी है, जो भी उसको पैसे कटे हुए हैं और जो भी इसकी 15 महीने की तनख्वाह बाकी है मेरे पास, तो वो तनख्वाह और जो बीमा के पैसे इकट्ठे करके 1-2 दिन में आपके घर पहुँचा दूँगा। तो हम 3 दिन लगे उस आने में। तो आने के बाद में दाग देने के बाद में हम 3 दिन बाद में उस कंपनी के पास जयपुर गए, जबर सिंह के पास। उसने बोला कि अभी पेमेंट हुआ नहीं, 2-4 दिन में पेमेंट होने के बाद में आपके पैसे सारे लौटा दूंगा मैं घर पर। तो हम कम से कम अभी हम 2 साल हो गए करीबन, हम 50 बार उसके पास जा चुके हैं, तो हमको एक पैसा भी नहीं दिया। और ऐसे बोला कि हम जो भी पेमेंट आपके पास, जो भी फाइल होते ही आपके पास हम 1.5 महीने की तनख्वाह, 1.5 साल की तनख्वाह और ये आपके पास हम पहुंचा देंगे। अभी तक सर हम कुछ भी नहीं पहुंचाए। हम आग दे परेशान हो गए, हम गरीब आदमी है, ठोकरें खाते खाते हम सारा लेके, जो भी हम एफआईआर दर्ज कराने के लिए बोले तो उसने मना कर दिया कि मैं एक पैसे नहीं दूंगा। हमारे साइन करवा लिए सर, कहेंगे जो बीमा कंपनी के कागजों पर साइन कर दो तो पैसे मिलते ही आपके पहुंचा देंगे। तो हमें दोनों लोग के साइन करवा लिए विनोद की मम्मी से मेरे, कि वो बीमा कंपनी के कागजों पर साइन है वो कर दो। तो हमने कर दिए, उस कागजों पर कर दिए। हमारा अनपढ़ है, हमारा आदमी है। तो बाद में हम वहाँ पर कोई आज तक पैसे नहीं मिले। अब हम गाड़ी परेशान होके, ताश होके मीडिया से सारा लिए हैं सर।
अभी हमको न्याय दिलाओ। हम यही चाहते हैं कि हमको न्याय दिलाओ, हमारे पैसे जो भी बनते हैं कुछ भी वो पैसे दिलाओ सर, यही हमसे विनती है। जैसे